जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज श्रेया। आई हैव गिवन वेरियस डिफेंस फोर्सेस एग्जाम्स लाइक एफकैट, जैग एंड सीडीएस एंड हैव गॉट रेकमेंडेड थ्राइस। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल रिगार्डिंग एसएसबी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म एसएसबी वर्ल्ड। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद। करमबीर को कोई रोक नहीं सकता कुछ करने से, और उसे कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। दोस्तों, वीर भोग्यम वसुंधरा, वीर भोग्यम वसुंधरा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंडिया में कई सालों से चला आ रहा है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास रहा है वीरांगनाओं और वीरों का। आज भी दोस्तों हम कई ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसमें कुछ ऐसा कर जाने वाले लोग बहुत ज्यादा बहुत कुछ अपने देश के लिए समर्पित होकर कर जाते हैं। इनमें से ही एक है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में आज मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि उनकी जो कहानी है बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है, और साथ ही साथ उनके जैसा बनना हम सब के लिए एक सोच है। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं जानना सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। सूबेदार मेजर एंड ऑनरी कैप्टन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी इज अ जूनियर कमीशन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, पीवीसी परमवीर चक्र मिला है इन्हें, विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन टू एनी ऑफ द सोल्जर। और उसके अलावा ऑनरी कैप्टन ग्रेनेडियर, मतलब ऑनरी कैप्टन की भी इन्हें एक उपाधि मिली है। चलिए, हाईएस्ट इंडियन मिलिट्री ऑनर डेकोरेशन द परमवीर चक्र फॉर हिज एक्शंस ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। सो दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक ऐसे हीरो की है जिसे आपने पिक्चर में कई बार देखा होगा। दोस्तों, आपने लक्ष्य देखी होगी, लक्ष्य में आपने ऋतिक रोशन का जो रोल देखा है टाइगर हिल कैप्चर करने वाला, एक्चुअली वो इन्हीं के रोल से इंस्पायर्ड है। और बस थोड़ा सा चेंज है कि इसमें इनका रोल जो है वो एज अ जेसीओ है, जूनियर कमीशनड ऑफिसर, और उसमें ऋतिक रोशन का रोल जो है वो एज एन ऑफिसर है। बाकी जो स्टोरी है दैट इज ऑल सेम एंड ऑल सिमिलर। आपने दोस्तों एलओसी कारगिल भी देखी होगी जिसमें मनोज वाजपेयी ने जो रोल निभाया है वो सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव जी से इंस्पायर्ड है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो आपको आइडियलाइज करना है, अगर आपको किसी को फॉलो करना है तो ऐसे लोगों को करिए इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। ये है आपके असली और रियल हीरो। तो आइए और जानते हैं सूबेदार मेजर के बारे में। एज 19 व्हेन ही रिसीव्ड द डेकोरेशन, ही इज द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द मेडल। दोस्तों, 19 साल की उम्र में उन्हें ये मेडल मिला। आप समझ रहे होंगे कि क्या शौर्य, क्या जज्बा रहा होगा उनके अंदर, कितना वेलर, कितना करेज रहा होगा कि इतनी सी उम्र में, जब लोगों को इतना भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होता है, और इन्होंने देश को बचाने जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर डाला। बॉर्न इन बुलंदशाह यूपी, हिज फादर मिस्टर करम सिंह यादव सर्व इन कुमाऊं रेजिमेंट एंड पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड 1971 वॉर। तो दोस्तों, इनके जो फादर थे मिस्टर करम सिंह यादव, बुलंदशहर यूपी से हैं ये बेसिकली, और इनके जो फादर थे उन्होंने दो वॉर्स में अपना पार्टिसिपेशन, अपना योगदान दिया है, जो कि 1965 और 1971 की वॉर है। दोनों ही वॉर इंडिया के लिए बहुत अहम और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास वो इतनी एडवांसमेंट, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज है। तो दोस्तों, जो साहस है, जो अदम्य साहस की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने फादर से इन्होंने एज इन अ लिगेसी ट्रांसफ़र की होगी। सर यादव ज्वाइंड इंडियन आर्मी एट एज ऑफ 16 ईयर्स एंड 5 मंथ। सो जब ये 16.5 साल के थे तब इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। दोस्तों, कितनी छोटी उम्र में एक कितना बड़ा काम। बट दोस्तों, आपको जैसे मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ कि आपकी एज आपके बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकती है, जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत। आप रिस्पॉन्सिबल हो, ये आपकी एज नहीं, ये आपका दिमाग और आपका दिल और आपके काम डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आप अपने आप को बिल्कुल भी एज से कंपेयर मत करिए, बल्कि आपको तो अच्छा बनने में, बेटर बनने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में खुशी आनी चाहिए। ओके, ये है पीवीसी अवॉर्डी मिस्टर योगेंद्र कुमार यादव सिंह। इनको आप देख रहे होंगे कि ये इनकी जो पिक्चर है ये अवार्ड लेने के टाइम पे है, और ये इनकी पिक्चर जो है ये इंडिया गेट में, जब वो अपना 2018 में एज इंडिपेंडेंस डे के दिन अपना एक भाषण दे रहे थे। इनलिस्टेड विद 18 ग्रेनेडियर्स एंड पार्ट ऑफ द घातक फोर्स
कमांडो प्लेटून टास्क टू कैप्चर 3 स्ट्रेटेजिक बंकर्स ऑन टाइगर हिल इन अर्ली मॉर्निंग आवर ऑफ 4 जुलाई 1999। तो दोस्तों 1999, 4th of July, बहुत ही क्रिटिकल समय था इस देश के लिए। सारे लोगों की नजरें मीडिया पे या फिर जो भी चल रहा था हमारे सियाचिन ग्लेशियर में उस पर टिकी हुई थी, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर छिड़ गई थी और उस वॉर को जीतना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया का एक हिस्सा हमसे छीना जा रहा था। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी सेना ने इतना अपना जज्बा, अपना जुनून दिखाते हुए अपनी सारी चीजों को अपने पास रखा और वापस लिया। और उसी तरह सूबेदार मेजर मिस्टर योगेंद्र सिंह यादव का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 18 ग्रेनेडियर के ये पार्ट थे और घातक फोर्स कमांडो प्लेटून के भी अंदर आते थे। इन्हें 3 हिल्स को कैप्चर करने का टारगेट दिया गया था। द बंकर्स वर सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ वर्टिकल स्नो कवर्ड 1000 feet, विच इज 300 meter क्लिफ फेस। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि एक तो बहुत ही ज्यादा विपरीत परिस्थिति, जैसे कि वहां का वेदर जो था वहां बहुत ठंड थी, ऊपर से जो बंकर्स थे वो काफी हाइट में थे, 1000 feet हाई आपके बंकर्स थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उन बंकर्स को कैप्चर करना और फिर उन बंकर्स से अपना सामने वाले एनिमी पे वार करना कितना मुश्किल और कितना कठिन टास्क रहा होगा, लेकिन इन्होंने ये चीज कर दिखाई। आइए जानते हैं कि और क्या कठिनाइयों का सामना इन्होंने किया। यादव वॉलंटियर टू लीड द असॉल्ट, क्लाइम द क्लिफ फेस एंड इंस्टॉल्ड रोप्स दैट वुड अलाउ फर्दर असॉल्ट्स ऑन द फीट। तो दोस्तों एक अच्छे लीडर की पहचान, मैं आपको हमेशा कहती हूं कि लीडर इज द वन हु लीड्स। यादव सर ने पहले जाके वॉलंटियर करके खुद से अपनी स्वेच्छा से इस मिशन को लीड करने का ठाना, और वॉलंटियर करने के साथ साथ सबसे पहले एक पर्वत चोटी पे वो चढ़े। उनके चढ़ने के बाद उन्होंने उस चोटी से रस्सी फेंकी जिसकी मदद से उनके बाकी साथी भी ऊपर आ पाए। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी मदद की उन्होंने अपने साथियों को ऊपर लाने की और एक अच्छे लीडर का एग्जाम्पल देने की। हाफ वे अप, मशीन गन एंड रॉकेट फायर केम फ्रॉम एन एनिमी बंकर, किलिंग द प्लेटून कमांडर एंड 2 others। इन स्पाइट ऑफ बींग हिट बाई मल्टीपल बुलेट्स इन हिज ग्रोइन एंड शोल्डर, यादव क्लाइम द रिमेनिंग 60 feet, विच इज 18 meter, एंड रीच द टॉप। तो दोस्तों क्योंकि एक ऐसी स्थिति में हम आ चुके थे कि जो हमारा दुश्मन था वो हमसे भी ज्यादा हाइट पे था, और आपको पता होगा कि वॉर में हाइट का बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। तो इस तरह से जब ये चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो सामने वाले बंकर से जो एनिमी ने ऑक्यूपाइड किया था वहां से काफी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स फायर किए जा रहे थे, बुलेट्स आ रही थी, बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही थी। तो इस तरह से 2-3 जवान इनके जो सेना इनकी जो टुकड़ी में थे वो शहीद भी हो गए। बट फिर भी बुलेट लगने के बाद भी 18 मीटर की जो ऊंचाई थी उसके बाद सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने कवर की। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा इनमें जज्बा था, किस हिसाब से ये स्ट्रांग थे, कितने ज्यादा इनमें साहस था। अपने देश के लिए कुछ करना दोस्तों सोचना अलग बात होती है, बट जब करने की स्थिति आती है तो बहुत कम लोग ही इस चीज को उसी साहस और उसी जुनून के साथ साथ कैरी कर पाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपको ये बताने का कि वो जुनून और वो साहस इनने अपने अंतिम दौर तक अपनाए रखा। Though severely injured, he crawled to the first bunker and lobbed a grenade, killing 4 Pakistani soldiers and neutralizing enemy fire. This gave the rest of the platoon the opportunity to climb up the cliff and face. दोस्तों मैंने आपको लीडरशिप की पहले जो अभी बात बताई थी कि वो सबसे पहले चढ़े और उन्होंने बाकी अपने असॉल्ट्स को रोक दी ताकि वो भी वहां से चढ़ पाए। इसी तरह से उन्होंने सबसे पहले चढ़ने के बाद एक बंकर ऑक्यूपाई किया और 4 पाकिस्तानियों को मार गिराया। सो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि गोली लगने के बाद और वो भी एक नहीं मल्टीपल बुलेट से हिट होने के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने की चाह नहीं खोई। तो आप उस खून के एक एक कण में, एक एक जो भी उनकी सांस थी उसमें आप उनका साहस और उनका जज्बा देख सकते हैं। यादव देन चार्ज द सेकेंड बंकर अलॉन्ग विद 2 of his fellow soldiers, engaged in hand-to-hand combat, killing 4 Pakistani soldiers. The platoon subsequently succeeded in capturing Tiger Hills, though Yadav was hit by 12 bullets. He played a major role in its capture. दोस्तों बुलेट लगने के साथ साथ एक बंकर को कैप्चर किया, बट उसके बाद एक और बंकर था जिसे कैप्चर करना था और वहां पे उनकी जीत
थमी नहीं थी। उन्होंने दूसरे बंकर में सबसे पहले जंप किया अपने दो साथियों के साथ और उस बंकर को भी ऑक्यूपाई किया। उस बंकर को ऑक्यूपाई करने के टाइम पे उनकी मैन टू मैन हैंड कॉम्बैट भी हुई। मतलब आप समझ रहे होंगे कि इतनी सारी गोलियां और इतना घायल होने के बाद भी उन्होंने एक सामने वाले आतंकियों से मुकाबला किया। और उसके बाद उन्हें, जब तक उन्होंने दूसरा बंकर ऑक्यूपाई किया था तब तक उन्हें 12 बुलेट हिट कर चुकी थी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना अदम्य साहस है इनके अंदर। द परमवीर चक्र वॉज अनाउंस्ड फॉर यादव। इट वॉज एज सून डिस्कवर्ड दैट ही वॉज रिकपरेटिंग इन द हॉस्पिटल एंड इट वॉज हिज नेमसेक हु हैड बीन स्लेन इन द मिशन। सो दोस्तों, कई लोगों ने ये अज्यूम किया कि मे बी ही डाइड इन द वॉर टाइम, बट इट वॉज नॉट लाइक सो। वहां पे उनका साहस खत्म नहीं हुआ, उनका नाम अभी भी जीवित है और वो भी जीवित है। और उनके अलावा उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में भी, उन्होंने एक अपने खुद से एक अलग लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को जीत में दर्ज किया। तो आप देख रहे होंगे कि जिस इंसान को जीतने की आदत लग जाती है या जिस इंसान का जज्बा इतना मजबूत होता है कि उसे जीत के सिवा कुछ दिखता नहीं है, डेफिनेटली उसे अंत में जीत हासिल होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सूबेदार मेजर कैप्टन मिस्टर योगेंद्र यादव जी की। और इस तरह से मैं आपको इन सब चीज़ों में एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशनल स्टोरी सुनाया। और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एक सोल्जर की लाइफ और उसके काम कितने ज़्यादा इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड होते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो काफ़ी इंस्पायरिंग लगा होगा। इन केस अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम या कुछ और जानना है तो आप ड्रॉप बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको ऐसे ही मेरे मोटिवेशनल वीडियोस आगे भी मिलते रहे, और लाइक बटन और सब्सक्राइब करना है ताकि आपसे कोई भी मेरा लेक्चर मिस ना हो। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों। जय हिंद।